दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कि रिले जो है वो क्या होता है, और दोस्तों आप इसे कहाँ पे यूज करते हैं, या आपने कभी इसको देखा है या फिर नहीं देखा है। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको आज मैं रिले के बारे में पूरा कंप्लीट बता दूंगा दोस्तों। और दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के थ्रू कि दोस्तों आपने रिले कहाँ पे लगा हुआ देखा है। दोस्तों सबसे ज्यादा आपने जो है अपने घर में जो इन्वर्टर होता है, दोस्तों अगर आप जो है आपने कभी देखा हो कि जब भी आपके जो घर की लाइट आती है तो दोस्तों वो जो इन्वर्टर है उसमें से थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकलती है, कट कट की आवाज आती है दोस्तों उसमें। उससे क्या है कि दोस्तों उसमें जो रिले होता है वो इसका ये वही काम करता है। यानी दोस्तों अगर आप इसमें जो कर अगर आप इसमें जो है करंट देते हैं तो, और दोस्तों ये जो है उसकी ही आवाज निकालता है। यानी दोस्तों वो जो है कट ऑफ कर देता है पावर को, इन्वर्टर की पावर को, और जो आपके घर में एसी सप्लाई आती है उसको जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। यानी दोस्तों उससे जो है वो ऑटोमेटिक चार्ज होने लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिले आखिर क्या काम करता है और ये किन किन सर्किटों में लगाया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये रिले रखे हुए हैं कुछ। यहाँ पे आज आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये दोस्तों 12 वोल्ट का भी रिले है मेरे पास और 6 वोल्ट का भी रिले है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये 6 वोल्ट का रिले है मेरे पास और ये जो है 12 वोल्ट का रिले है। तो दोस्तों जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिले है उसमें हमेशा 5 लेग्स होती हैं इसकी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, दोस्तों यहाँ पे जो है 5 लेग्स होती हैं। दोस्तों इसमें जो है मैं आपको बता दूं सर्किट डायग्राम से, इसके इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो है एक कोयल लगी होती है। हर रिले में दोस्तों एक कोयल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद दोस्तों उसमें जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसके जो है 5 टर्मिनल्स है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी 5 टर्मिनल्स है। दोस्तों इसमें क्या है, दो दो जो वायर्स होते हैं वो होते हैं एसी के, और जो आप जो सप्लाई ले रहे हैं यानी 12 वोल्ट का है तो आप 12 वोल्ट इससे जो है आगे सप्लाई लेंगे तो दोस्तों ये जो है उसको कट ऑफ करता रहेगा। यानी दोस्तों आप जहां भी उसका यूज करके लगाएंगे। दोस्तों आपने ये एक दो वाली वीडियो तो देखी होगी दोस्तों कि जो है रिमोट से आप किसी भी लाइट को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। यानी दोस्तों उसमें इसका ही सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इसमें सप्लाई देते हैं उसके बाद ये जो सर्किट है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है जो स्विच सी ये जो यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे कोयल सी, तो दोस्तों ये जो है कट ऑफ होते ही यानी इसमें जो सप्लाई आते ही ये जो है इधर गिर जाती है, तो उससे जो है सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बनने के बाद ये जो है ये यहाँ पे जो इसकी ये जो यहाँ पे जो वायर है वो यहाँ से उठ के वो इस पे गिर जाता है। गिरने के बाद दोस्तों आपका जो सर्किट है वो ऑन हो जाता है, और इसमें से जब भी जो है थोड़ी सी आवाज निकलती है जैसी आपने इन्वर्टर में सुनी होगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रिले तो आखिर वैसे दोस्तों बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर दोस्तों आज आज जो है मेरे पास यहीं पे ये ही रिले हैं। दोस्तों आपने काफी बड़े बड़े रिले देखे होंगे। दोस्तों इन्वर्टर में तो है ऐसी रिले नहीं लगे होते, इससे जो है काफी बड़े बड़े रिले जो है वो लगे होते हैं। दोस्तों मेरे पास वो मौजूद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये जो इसका जो रिले है, ये जो ये बड़े वाला रिले है दोस्तों, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है 6 जो है इसकी लेग्स हैं, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है कट ऑफ यानी इसमें जो वायर्स हैं वो 2 हैं। जब भी आप इसको कनेक्ट करते हैं उसके बाद जो है इसमें जो कट ऑफ वायर है वो यहाँ से उठ के और इस पे गिर जाते हैं, तो सर्किट जो है उससे ऑन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो दोनों सिंबल्स हैं, एक छोटे रिले के लिए है एक बड़े रिले के लिए है। और दोस्तों देख सकते इसमें जो है यहाँ पे एक कोयल लगी होती है दोस्तों यहाँ पे इसके, तो अब जब भी आप इसमें जो है अपनी सप्लाई देते हैं तो वो कट ऑफ हो जाती है, और उसकी वजह से आपका जो बल्ब है या फिर आपकी जो इन्वर्टर है वो चार्ज होने लगता है। तो दोस्तों मैंने जो है इसमें आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो है मैंने सर्किट बनाया था दोस्तों, ये जो है 8 रिले के लिए है दोस्तों। ये जो है इसमें आप बल्ब, टीवी, कुछ भी यानी दोस्तों आप यानी एसी का जो पावर सप्लाई का जो कोई भी कंपोनेंट है यानी दोस्तों कंपोनेंट डिवाइस है तो आप जो है उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट करके उनके वायरों को, और आप जो है रिमोट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है LDR जो सेंसर है वो लगाया हुआ है, और जो है इसका सब सारा जो सेटअप है वो किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो रिले हैं ये
इस कट ऑफ का ही काम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस सर्किट में जो है मैंने 12 वोल्ट के जो है सारे रिले लगाए हुए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन रिले के बारे में ही बताना चाहता था, तो दोस्तों मैंने जो है इस सर्किट को यूज करके एग्जांपल के लिए आपको बता दिया है। और दोस्तों ये जो है इसकी वर्किंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होती है दोस्तों। और बस दोस्तों, और अगर आपको अब भी वीडियो में रिले के बारे में समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सवाल अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं जो है उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।